हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए धमाकेदार वीडियो में। देखिए कल के लिए 3 जुलाई के लिए मार्केट का क्या परसेप्शन है, मार्केट किस तरीके से काम करेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके सामने निफ्टी है, इस समय आप देख सकते हैं निफ्टी ने अपना हाई निकाल दिया है। निफ्टी इस समय यहाँ पे चल रहा है बिल्कुल ब्लू स्काई जोन में। और अगर हम ये बात करें कि ये कितना ऊपर जा चुका है, देखिए डायरेक्ट अप मूव दिखाई दे रही है आपको। इंडेक्स जो है 18600 से और 19199 तक जा चुका है, काफी ज्यादा अपमूव हो चुकी है इंडेक्स में। मगर कल को मार्केट क्या कर सकता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो ऐसे इंडेक्स में जबकि हमें ऊपर कोई लेवल ना पता हो तो ये दिक्कत रहती है कि चूंकि हमें कोई लेवल्स नहीं पता तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट कहाँ तक टेस्ट करेगा, क्या कर सकता है, कौन सा जोन जो है वो नो ट्रेडिंग जोन है, ये सारी चीजें हम नहीं पता कर। तो आइए इस पर एक फीबो लगा के देखते हैं। देखिए ये जो आपको चीज दिखाई दे रही है ये 19440 तक मार्केट यहाँ तक अप जा सकता है। उसके बाद कोई पैटर्न बनाए, कोई रिट्रेसमेंट बनाए बड़ा सा, वो अलग बात है, मगर 19440 तक ऊपर जा सकता है, मगर एकदम नहीं जाएगा ये मैं आपसे कह दूं। मार्केट क्या करेगा, धीरे धीरे जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया, मार्केट इस तरीके से पुट वालों को बिठाता बिठाता चलेगा, क्योंकि कॉल के लिए कहाँ से एकदम पैसा लग जाएगा। पुट वालों को बिठाएगा, एसएल क्रिएट करेगा बार बार, तभी तो ऊपर जाएगा। इस चीज को आप समझें। देखिए ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं चार्ट को। देखिए ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला जो यहाँ पे मैक्सिमम कंसोलिडेशन हुई है, 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है। और यहाँ पे जो ये बायर है, अगर एसएल हंटिंग वाइज सोचें, आप स्टॉप लॉस हंटिंग वाइज सोचें, तो ये अपना प्रॉफिट नहीं देगा। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट में बैठा है ये एक ऐसा जोन है अकेला जहाँ पे कि हम थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि इसे निकालना मुश्किल है। तो ये जो जोन है ये है 19140, ये देखिए यहाँ पे 19140 ये रहा आपके सामने। इस जोन से मार्केट नीचे गया तो नीचे का डिप आपको मिल सकता है, मगर इस जोन से ऊपर अगर रहा तो मार्केट में अप मूवमेंट पॉसिबल है। तो ये एक ऐसा लेवल है, देखिए मैंने लिख दिया है जिससे आपको पता रहे। तो आइए जरा से यहाँ भी फीबो डाल के देखते हैं। देखिए जो फीबो डाला है इसके अकॉर्डिंग जो है मार्केट में, मार्केट कल को या तो इस जोन में खुल सकता है, ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, या यहाँ से इस तरीके से अप ट्रेंड ले सकता है, मतलब यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर चला जा सकता है। ओके, या फिर कुछ इस तरीके से कर सकता है कि जैसे नीचे आ रहा है, नीचे से आ रहा है मान लीजिए, और ऊपर उसने मतलब बॉडी इधर बनाई और इस तरीके से बॉडी बना दी, मगर बॉडी उसकी यहाँ पे स्टार्ट हुई इस तरीके से। यानी कि ये जो जोन है, ये 50 से 60 वाला जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल को। और अगर गैप अप ओपन होता है तो देखिए तब तो बहुत ही वो है कि अगर गैप अप ओपन होगा तो एक बार जरूर से जरूर बायर जरूर कोशिश करेगा कि मार्केट में ऊपर ऊपर चला जाए। क्योंकि देखिए बात क्या होती है, जब इस तरीके से मार्केट ऊपर होता है, स्काई जोन में होता है, तो सेलर आने की हिम्मत नहीं करता। सेलर ये सोचता है कि गिर गया तो, इतना अप प्राइस है, गिर गया तो। क्योंकि बात क्या है कि गिरने के, जब गिरता है ना मार्केट, तो यहाँ पे देखिए ये चीज बहुत है, ये चीज बहुत है, मतलब उसके पास ये समझ सकते हैं आपकी बाय वालों का, कॉल वालों का पैसा काफी पड़ा है, तो इसलिए वो गिरेगा तो अच्छा गिर सकता है मार्केट, ये वाली बात हो जाती है। इसलिए सेलर आने की हिम्मत नहीं करता। ऐसे मार्केट में ये पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है कि मार्केट छोटा छोटा सेलर बिठाता हुआ, जो लोग ये कोशिश करते हैं अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, उनका पैसा खाता हुआ मार्केट ऊपर चला जाए। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि यहाँ तक जो ये 19440 मैंने बताया था, यहाँ तक के इसके टारगेट हो सकते हैं। और ये जो चीज है इससे मार्केट ऊपर रहना चाहिए, इसके नीचे मार्केट सेलिंग में जा सकता है। बैंक निफ्टी को एक बार देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और बैंक निफ्टी में जो ये जोन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए बैंक निफ्टी में ये जो जोन है यहाँ पे, ये जो जोन है ये नो ट्रेडेड जोन है। इसके ऊपर आपको एक कॉल की मूवमेंट और इसके नीचे एक पुट की मूवमेंट पॉसिबिलिटी है, और ये भी ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो इसमें भी ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कॉल का ट्रेंड आ गया, मतलब ऊपर की तरफ चलने लगा मार्केट, तो हल्का हल्का पुट वालों को बिठा के ये ऊपर की तरफ जा सकता है। इस जोन में मगर आप ट्रेड ना करें, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एसएल क्रिएट कर रहा है। देखिए निफ्टी में मार्केट इस तरीके से, ये जो डब्लू बनाता हुआ इस तरीके से ज्यादा उठा है, और ये सेलर इतना ज्यादा नहीं उठा है, इस बात को भी आप समझें। तो ये जो यहाँ पे बायर है ये कोशिश करेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में ही रहे, ये पॉसिबिलिटी है मार्केट में। और कॉल का ट्रेंड आता आपको दिखाई दे, मतलब कि मार्केट जो है अपना ये यहाँ से ये जो बेस है इसे ना काटे, ऊपर ही चढ़ता रहे, तो आप इसमें कॉल के ट्रेंड में
आराम से ऊपर जा सकते हैं। देखिए इंट्राडे में किस तरीके से ये सुनिश्चित करें कि कॉल लें या पुट लें, तो उसके लिए ये वीडियो मैंने डाल रखा है, ये वाला सबसे फर्स्ट, इसे आप देखें। और आप किस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट कॉल में जाएगा, पुट में जाएगा, क्या करना चाहिए मार्केट को, इसके लिए जो ये वाला वीडियो है, ये येलो वाला, ये वाला वीडियो आप जरूर से जरूर देखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप हमसे इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में तीन लिंक से रखे एलिस एंजल और अपस्टॉक, किसी भी एक लिंक के थ्रू डीमैट खुलवाएं और हमसे टेलीग्राम पर संपर्क करें। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़िए, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट करती रहती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट जरूर दीजिए। इसी आशा के साथ अब विदा लेती हूँ, थैंक यू वेरी मच।